ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल मोहिनी मंत्र बताऊंगा, जो कि पलक झपकते ही अपना काम कर देगा। इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि गुरुजी मंत्र बहुत बड़ा याद नहीं होता, क्या करें, आप कोई सरल विधि बताइए जो मैं कर सकूँ। बहुत सी कमेंट्स आ रही हैं, तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सरल मंत्र। आपको क्या करना है कि अपने आसपास कोई अनार का पेड़ ढूंढ लेना है। अनार के पेड़ में क्या होता है कि आकर्षण की शक्ति होती है। जब भी कोई आकर्षण का कर्म होगा, उसमें अनार का पेड़ प्रयोग में लाया जाएगा। तो अनार की कलम तोड़ लीजिए और उससे अपने रुधिर से अपने प्रियतमा की, अपने प्रीतम की एक फ़ोटो के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए। जो भी, जैसे कि अगर आपके प्रीतम की फ़ोटो आपके पास है, तो उसके पीछे अपना नाम लिखकर उसको शहद की डिब्बी में बंद कर दीजिए। और जब तक आपकी ये मुराद पूरी ना हो कि वो सामने वाला जो है वो आपके सामने नतमस्तक ना हो जाए, जब तक, तब तक उसको उसके अंदर से निकालना मत। और ये सब आपको करना है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ये करके उसे एक ऐसी गुप्त स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर कि सूरज की रोशनी ना आती हो। तो यूँ समझ लीजिए कि आपने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। जब तक ये आपके पास रहेगी, तब तक वो दिन रात बस आप ही के बारे में सोचेगा। अगर सो भी गया तो सोते हुए भी उसे आपके सपने आएंगे। ये बहुत ही प्रचलित था पौराणिक काल में, और अभी भी जिसको मैं ये देता हूँ, वो बस सामने वाला जो है उसके नाम की माला जपता रह जाता है। जब आपको लगे कि हाँ, पूरी तरह से जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके कंट्रोल में आ गया है, आपके अधीन हो गया है, तो इसमें से उस फोटो को निकाल कर किसी नदी में प्रवाहित करते हैं। मतलब कि ऐसा हो कि पानी चलता हो, उसमें रुके हुए मत करना, वरना ये जो है ये प्रयोग उल्टा पड़ जाएगा। पानी बहता हुआ होना चाहिए, उसमें इसको डाल के आ जाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कितने हफ्ते, कितने दिनों में आपने इसको साथ लिया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9992861625। धन्यवाद।